कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट को लेकर एक इम्पोर्टेंट आदेश जारी कर दिया है। ईपीएफओ द्वारा जारी ताजा आदेश में क्लेम सेटलमेंट कराने का जो प्रोसेस है उसके दौरान चेकबुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करने में छूट दी गई है। इससे ऑनलाइन फाइल होने वाले दावों को जल्द से जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। वहीं कुछ दिन पहले ही ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सुविधा का दायरा भी बढ़ा दिया था, लेकिन ये छूट वैलिडेशन के कुछ मामलों में ही दी गई है। यानी ये छूट उन्हीं मेंबर्स को मिलेगी जिनके दूसरे वैलिडेशन कंप्लीट होंगे। इनमें संबंधित बैंक या एनपीसीआई द्वारा बैंक केवाईसी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डीएससी के यू से एम्प्लॉयर द्वारा बैंक केवाईसी का वेरिफिकेशन और यूएडीएआई द्वारा सी डेड आधार कार्ड का वेरिफिकेशन शामिल है। ऐसे मामलों में क्लेम से जुड़े पीडीएफ के आखिरी हिस्से में एक मैसेज दिखाई देगा। इसमें लिखा होगा कि बैंक ने बैंक केवाईसी को ऑनलाइन वेरीफाई किया है और एम्प्लॉयर ने इसे डिजिटली साइन किया है, इसलिए चेक लीफ या असिस्टेड बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में क्लेम की जांच करने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए जल्द की कलर टैग की सुविधा दी जाएगी। इससे वो ऐसे मामलों को रिटर्न करने से बच सकेंगे। अब यहाँ जान लेते हैं कि इस कलर टैग का इम्पोर्टेंस होता क्या है। तो क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस के दौरान ईपीएफओ कार्यालय के अधिकारी को रंग से ही पता चल जाएगा कि इस केस में चेकबुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है या नहीं। हालांकि शुरू में ये बात संबंधित अधिकारी को ही ध्यान में रखनी पड़ेगी, यानी मैनुअल तरीके से फाइल जांचनी होगी। बता दें कि ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स की बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती ईपीएफओ अकाउंट के लिए की जाती है। साथ ही कंपनी भी इतना ही पैसा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करती है। एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किए जाने वाले पैसे में से 8.33% हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि बचा हुआ 3.67% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि ईपीएफओ के लिए आप ऑनलाइन क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन क्लेम आप अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले यूएएन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके सदस्य इंटरफेस में लॉगिन आपको करना होगा। इसके बाद यूएएन के विरुद्ध उल्लेखित केवाईसी और सेवा पात्रता शर्तों के सही और पूर्ण होने की पुष्टि करें और प्रासंगिक दावे का चयन करें। अब ऑनलाइन क्लेम को प्रस्तुतिकरण को पूरा करने के लिए यूआईडीआई के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का इस्तेमाल करके वेरीफाई करें। इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको ईपीएफओ क्लेम हो जाएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।